नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपावली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की विजय के लिए मनाया जाता है। साथियों, दीपावली के दिन प्रभु श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे और उसी के उपलक्ष्य में दीपावली मनाया जाता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं दीपावली अयोध्या का सबसे प्रमुख त्यौहार है, तो अयोध्या में काफी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी किया जाता है। साथियों, अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ आए थे और यहाँ पर साथियों प्रभु श्री राम के बचपन से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की झांकी को कंप्यूटर के द्वारा दिखाया जाता है और काफी भीड़ होती है, काफी भव्य तरीके से मनाया जाता है दीपावली। इस बार साथियों अयोध्या में 17 लाख दिए जलाए गए। साथियों, ये दीपावली हम लोगों के लिए तभी अच्छी मनाई जाएगी जब हम लोग का SSC में सिलेक्शन हो जाए। फिलहाल साथियों, हमेशा पढ़ाई करना ही नहीं होता है, कभी कभी इंजॉय करना चाहिए लाइफ में। और दीपावली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो अपने परिवार के साथ खूब मस्ती करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन साथियों, ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के दिन पढ़ाई करने से विद्या माँ प्रसन्न होती है, तो हम लोग को पढ़ाई भी करनी दीपावली के दिन और मौज मस्ती भी करनी है और पटाखों से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आगे आने वाले तमाम एग्जाम लगे हुए हैं SSC के, तो अगर पटाखों से हमको जरा भी चोट लग गई तो आगे हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। तो पटाखों से थोड़ा दूरी बना के मिठाई भरपूर खाते हुए दीपावली सेलिब्रेट करनी है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि SSC में हम लोग का सिलेक्शन हो जाता है, कि हम लोग की जिंदगी काफी बेहतरीन हो सके और अच्छे से दीपावली को आने वाले वर्षों में मना सके। साथियों, आप सभी जानते हैं कि T20 जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, इसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया, तो मेरे जो भी भाई मैच के प्रेमी हैं उनके लिए ये दीपावली तो और भी खास हो गई है, क्योंकि हर तरीके से खुशखबरी ही हमको मिल रही है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि SSC का पैटर्न चेंज हुआ और SSC काफी अच्छे तरीके से अपना स्मूथली काम को कर रही है, वैकेंसीज भी ज्यादा हो गई हैं और टाइम से वैकेंसीज भी आ रही हैं, सिलेक्शन प्रोसेस भी तेज हो गया है। तो साथियों, उम्मीद है अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो हम लोग की अगली दीपावली सिलेक्शन के साथ बनेगी। तो आप सभी को दीपावली की एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग दीपावली कैसे सेलिब्रेट करें हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आप लोग का दीपावली कैसे सेलिब्रेट हो रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, चैनल पर नए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार आप सभी को फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यार देखो सिलेक्शन एक नौकरी हम लोग का जीवन का मेन मोटिव नहीं है, नौकरी तो बस एक बैकअप के लिए होता है। जिंदगी में हम लोग को बहुत कुछ अच्छा करना है तो हम लोग अच्छा करेंगे, बस नौकरी एक बैकअप के लिए चाहिए, जो हम लोग के लिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग दीपावली सेलिब्रेट कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सेलिब्रेट कीजिए खूब अच्छे से, खूब मिठाइयाँ खाइए।